nights, I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं टेक्नो स्पार्क को 2024 की अनबॉक्सिंग। इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। टेक्नो ने अभी 2024 आने से पहले ही अपना एक बहुत ही एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो आपको अंडर 7000 रुपीज पर मिलता है। इसमें अलग अलग आपको वेरियंट्स मिलते हैं। स्पेसिफिकली ये ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है, बट हमने जब अमेजोन पर चेक किया तो वहां पर भी अवेलेबल था, तो आपको इधर ऑफ द वे जहां ठीक लगता है आप चेकआउट कर सकते हैं, बट ज्यादातर ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन ये आपको मिल जाता है। अब बॉक्स काफी इंटरेस्टिंग है, बॉक्स में आपको मतलब कलरफुल है, और बॉक्स में आपको फोन मिलता है, साथ में आपको एक बैक केस दिया है जो अक्सर नहीं होता है इस प्राइस रेंज पर उन्होंने दिया है। एक चार्जर दिया है 10 वॉट का, टाइप सी केबल दिया है, कुछ कागजात आपको मिल जाते हैं। बाकी फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो 8.5 mm की थिकनेस, 184 grams, तो वेट थिकनेस यहाँ पर अच्छा है। पीछे आपको PMMA एक्रिलिक ग्लास मटेरियल मिलता है, जो कि हार्ड प्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं, तो मटेरियल बजट के हिसाब से उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर चूज किया है। अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे, हमारे पास ग्रेविटी ब्लैक है, आपको एक मिस्ट्री व्हाइट भी है, और आपको एक मैजिक स्किन ग्रीन कलर भी यहाँ पर जो देखने को मिलता है। साथ ही साथ ऊपर की तरफ आपको एक स्पीकर ग्रिल है, नीचे एक और है, तो डुअल स्पीकर्स, ये पहला ऐसा फोन है जो आपको अंडर 7000 में डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड करता है, जो और कोई ब्रांड नहीं दे रहा है। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, और 400% स्पीकर की वॉल्यूम है। मैं आपको ऑडियो एक्सपीरियंस भी करके यहाँ पर सुना देता हूँ। बस पैसे मत उड़ाना। बाकी उसके अलावा आपको यहाँ पर माइक होल मिल रहा है, एक सिंगल माइक है, टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दिया जो बहुत अच्छी बात है। 3.5 mm जैक भी आपको यहाँ पर मिलता है। राइट में वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, जो कि थोड़ा सेपरेट यहाँ पर किया है, और पावर बटन में जिसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। बहुत अच्छा काम करी उन्होंने यहाँ पर, जो कि इस प्राइस पर हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। सिम ट्रे यहाँ पर दिया गया है, और जो सिम ट्रे यहाँ पर है वो आपको फुल साइज यहाँ पर सिम ट्रे मिलता है। जी हाँ, डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.56 इंच की HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले मिलती है, और पंचोल डिस्प्ले है, पंचोल सेंटर में दिया है, चिन यहाँ पर ठीक है प्राइस के हिसाब से, स्क्रीन गार्ड पहले से लगा कर दिया है, 500 nits की इसमें पीक ब्राइटनेस है। इनफैक्ट हमने इसकी जो विजिबिलिटी चेक की आउटडोर में तो ठीक है, लेकिन इंडोर में जब ऐसे ऐसे देख रहे थे तो वीवी एंगल्स इसके यहाँ पर काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छी क्वालिटी का पैनल इस्तेमाल किया। 90 Hz की हाईर रिफ्रेश रेट, 180 Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, प्राइस के हिसाब से एक चीज़ बहुत अच्छी दे दिया है, और साथ में आपको इसमें वाइड बैंड L3 मिलता है, L1 नहीं, और इसमें 90 FPS है प्ले स्टोर में, गूगल क्रोम में ज़्यादातर उसमें वो वही परफॉर्म करता है। ओवरऑल डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि आपको इसमें डायनामिक पोर्ट मिलता है, जो आईफोन्स में हमने देखा है कि डायनामिक आइलैंड आता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसमें भी आपको वैसे ही मिलता है, और ये एनिमेटेड है, काम करते हैं, जैसे कि फेस अनलॉक के वक्त आपको दिखाई देंगे, बैकग्राउंड कॉल अगर चल रहा है, अगर आपने होम बटन पर बाहर निकल कर चले गए तो आपको वो कॉल का टाइमर यहाँ पर जो वो दिखाई देगा। चार्जिंग एनिमेशन है, चार्जिंग कंप्लीट रिमाइंडर है, लो बैटरी रिमाइंडर है, और ये सारी चीज़ों को अगर आपको सेटअप करना है, टर्न ऑन ऑफ करना है, तो आपको सेटिंग्स में स्पेशल फंक्शन में डायनामिक पोर्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। अब बजट के हिसाब से एक अच्छा फीचर है, जो आजकल दूसरी ब्रांड्स में यहाँ पर, मतलब मैंने पहले भी एक फोन में देखा था और इसमें भी यहाँ पर मैंने देखा हूँ, जो अच्छी बात है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें यूनिसॉक T606 12 nm वाली कॉर्टेक्स A75 कोर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंटूटू स्कोर इसमें 230,000 के आसपास है। ये चिपसेट यूनिसॉक की बजट में काफ़ी अच्छा काम करती है। थ्रॉटलिंग बहुत अच्छा था, 94% और मैक्स 43°C ही हीट हुआ था, तो इसको हम ठीक बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आपको खेलना है तो आप मीडियम पर सेट करके खेलिए, गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। LPDDR4X, UFS 2.2, मल्टीटास्किंग स्मूथ है, ऐप ओपन क्लोज कोई इश्यूज नहीं थे, कोई लैग स्टटर ज़्यादा हमने देखा नहीं, तो बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इस प्राइस रेंज पर LPDDR4X और UFS 2.2 का आपको सपोर्ट दिया। बाकी ओवरऑल डे टू डे लाइफ के जो टास्क है ये सब कुछ आपको यहां पर काफी अच्छा मिलेगा। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें एंड्रॉयड 13 गो एडिशन चलता है। जी हाँ, इसमें ये गो एडिशन है, इनका खुद का कस्टम स्किन यहाँ पर लगा हुआ है, और साथ ही साथ 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस की बात हुई है, ईयरली अपडेट की यहाँ पर हमें कोई बात उन्होंने करी नहीं है। बाकी स्टॉक डायलर इनका दिया है, तो आपको अगर कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकेंगे, और पाम स्टोर, नेटफ्लिक्स, फेसबुक ऐसे कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है, बट आप चाहो तो उनको डिलीट कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन वगैरह डिसेबल करना है तो वो भी कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी है, 10 वॉट चार्जर बॉक्स में दिया है, तो चार्जिंग के लिए 2.5 घंटा लगभग लग जाएगा इसको फुल चार्ज करने के लिए, डेफिनेटली क्योंकि 5000 है और 10 वॉट है, बट बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, पूरा दिन आराम से चलता है। अगर आप हाई एंड गेम्स भी खेल लेते हैं इसमें, तो मिक्स्ड यूसेज के बाद भी मैं बोलूँ तो आराम से एंड ऑफ द डे आपका बैटरी 15-20% रह जाएगा, तो ये बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा।
सेंसर्स कनेक्टिविटी की बात करें, वाइड बैंड L3 जैसे कि मैंने बताया ब्लूटूथ वर्जन 5 है, कैमरा टू API दिया है, बट रॉ फाइल सपोर्ट नहीं मिलेगा जो कि अक्सर बजट में नहीं होता है। FM रेडियो मिल जाता है, वाईफाई 5 दिया है, मतलब 2.4 और 5 GHz दोनों सपोर्ट होता है, और साथ में आपको उसमें सारे सेंसर्स का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। फाइनली कैमरे की बात करते हैं, 13 MP प्राइमरी सेंसर दिया गया है, आपको साथ में एक और AI वाला सेंसर मिलता है, साथ में LED फ्लैश जो वो रिंग स्टाइल में आपको यहाँ पर मिलती है, तो नाइट में थोड़े बहुत अगर फ्लैश लाइट से फोटोज लेने हैं वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। फुल HD वीडियो 30 FPS का मैक्स आपको सपोर्ट मिलता है, और साथ में स्लो मोशन भी दिया है जो कि 180 FPS लगता है, बट हमारे वीडियो में आपको थोड़ा सा एरर दिखाई देगा, रुक रुक के दिखेगा क्योंकि वो एडिटिंग में थोड़ा इशूज होता है कभी कभी स्लो मोशन में, बाकी स्लो मोशन वीडियोज आप चाहो तो निकाल सकते हैं। सुपर नाइट मोड दिया है सेल्फी में भी, तो अगर आपको नाइट में सेल्फीज में थोड़े फोटोज लेना है, जो कि मैं बजट में ज्यादा रेकमेंड करता नहीं, बट इसमें उन्होंने कुछ फंक्शंस दिए जिसका आप यूज कर सकते हैं। 8 MP सेल्फी है, सामने भी आपको LED लाइट्स वगैरह मिलती है जो अक्सर हमने टेक्नो के फोन्स में देखा है, वो यहां पर भी, और सेल्फी में भी आपको फुल HD 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। बाकी फोटोज वीडियोस आपके सामने हैं, बजट के हिसाब से ठीक फोटोज आ जाते हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, सेल्फी भी वैसी ही है, और वीडियो क्वालिटी भी यहां पर डिसेंट है जो आपके सामने है। बाकी गूगल ड्राइव पर लिंक हमने छोड़ दिया है। अब जाते जाते बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस है। जो बेस वेरिएंट है 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज, ये स्टार्ट होता है 6700 रुपीज से, बहुत ही अच्छी प्राइस यहाँ पर रखी है। ये ऑफलाइन मार्केट की बात है, ऑनलाइन में भी आपको हमने जब चेक किया तो वैसे ही मिल रहा था, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको चूज करते हैं। इसमें अलग से वो 3 GB प्लस मेमोरी फ्यूजन भी दिया, तो खैर वो तो उन्होंने यहाँ पर बताया है, तो जैसे आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, इसके पहले हमने एक और फोन की अनबॉक्सिंग की थी जो वैसे ही था, उसमें भी इस तरीके ही कमाल के फीचर्स थे, और दूसरा आ गया है टेक्नो का स्पार्क गो 2024 जो उन्होंने इसमें भी अच्छे फीचर्स दिए। तो 2024 में अगर देखा जाए तो अच्छे स्मार्टफोन्स की शुरुआत हो गई, अगर हम एंट्री लेवल बजट की यहाँ पर बात करते हैं। वैसे आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट में जरूर बताना, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे अनबॉक्सिंग्स तो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।